हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिविंग पीक क्लासेस प्रयागराज। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द साइंस क्लास 9th का बायोलॉजी का पार्ट, जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन का जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9th है और सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्लास 9th का जो सब्जेक्ट साइंस है वह थ्री पार्ट में डिवाइड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थ्री पार्ट में डिवाइड है। तो हम आपके साइंस का बायोलॉजी का पार्ट्स लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस बायोलॉजी के विषय में। ठीक है, साइंस का ये जो पार्ट है, तो बायोलॉजी कॉन्सिस्ट जो बायोलॉजी शब्द है इसको किसने दिया था 1802 में, लैमार्क एंड ट्रेवी रेनस। 1802 में लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने ये शब्द दिया था। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने 1802 में दिया था। ठीक है, तो बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, जिसमें कि सबसे पहले की बात करें तो बायोस, और बायोस मीन्स क्या होता है, लाइफ। इसी तरह लोगोस की बात करें तो ये मीन्स होता है स्टडी। तो आप समझ गए होंगे कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्लियर, या तो आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, इस तरह से हम जानते हैं। तो आइए, आपके बायोलॉजी का जो चैप्टर है हमने लिया है चैप्टर 5, चैप्टर 5 क्या नाम है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो जीवन की मौलिक इकाई है वह किसे कहा गया है। तो आप क्या बताएंगे, यानी जिससे जीव का निर्माण हुआ होगा वही उसकी एक इकाई होगी। जैसे आप कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ है, इस बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ है उसकी इकाई क्या होगी, तो उसकी इकाई एक ईंट होगी, यानी कई ढेर सारे ईंट मिल करके इस बिल्डिंग का निर्माण किया है। ठीक है, तो इसी तरह से यदि आपसे कहा जाए कि कोई भी लिविंग बींग्स है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, या जैसे हम हैं या आप हैं, ठीक है, अगर कहा जाए कि इसकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, सेल होगी। ठीक है, तो आइए इसी को डिस्क्राइब करते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म
पॉइंट्स नोट करिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो क्या कहेंगे सेल। तो इस पॉइंट से आपको मालूम चल गया होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जितने भी जीव हैं सब किससे मिलके बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। तो कोशिकाएं क्या हुई, उनकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हुई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कोशिकाओं की फंडामेंटल, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगी, सेल होगी। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। अब आगे देखिएगा, द सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर द सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि द सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। तो अब आप समझ गए होंगे, तो ये तो फंडामेंटल तो यूनिट ऑफ लाइफ है ही है, लाइट चली गई है तो क्या क्लियर है, दिख रहा है, लाइट चली गई है, क्लियर तो होगा। राइटिंग दिख तो रही है। ठीक है, द सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम, यानी कोशिका अगर देखा जाए तो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। ठीक है, आप समझ गए कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा गया है, सेल को कहा गया है। और यहाँ पे द सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए, क्या याद रखना है, लिटिल रूम। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक्सा, पॉइंट्स नोट करने जाइएगा, द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक्सा ए लिटिल रूम इन द कार्क। ठीक है, अब कार्क है क्या, द बार्क ऑफ ए ट्री, क्या है कार्क, तो क्या कहा गया है, द बार्क ऑफ ए ट्री। ठीक है, हाँ, तो द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक्स सॉ ए लिटिल रूम इन द कार्क।
आप समझ गए जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक से उन्होंने क्या देखा, लिटिल रूम इन द कार्क, कार्क में छोटे छोटे उन्होंने क्या देखे, लिटिल रूम देखे। और वो जो कार्क है, कार्क क्या है, तो कार्क है द बार्क ऑफ ट्री, यानी कि प्लांट्स की क्या है, छाल है, ठीक है। रिजेम्बल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम्ब, ठीक है, रिजेम्बल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम्ब। आप समझ रहे होंगे हनीकॉम्ब मीन्स मधुमक्खी के छत्ता, ठीक है। तो अब यहाँ तक फिर से आप क्लियर करिएगा कि साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने देखा ए लिटिल रूम इन द कार्क, कार्क में छोटे छोटे उन्होंने रूम देखे, और कार्क है क्या चीज, द बार्क ऑफ ट्री है, ठीक है। रिजेम्बल द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम्ब, यानी कि वो जो स्ट्रक्चर्स थे कैसे दिखाई दे रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रतीत हो रहे थे, ठीक है। इसी में देखिएगा द यूज ऑफ द वर्ड सेल, द यूज ऑफ द वर्ड ऑफ ए सेल। अब आप समझ गए होंगे कि जो सेल को यूज किया गया है टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स, टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज्ड टिल दिस, इज यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी एज, दिस डे इन बायोलॉजी एज, लाइट तो चली गई है, देखिएगा दीज यूनिट्स इज यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी एज, क्या कहेंगे बायोलॉजी में इसको, इसको कहेंगे सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब आप समझ गए तो बायोलॉजी में भी ये आज क्या यूज किया जा रहा है, सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका जीव विज्ञान, ठीक है, समझ में आ गया। द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सा ए लिटिल रूम इन द कार्क, जो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे उन्होंने देखा कि कार्क में छोटे छोटे कमरे, और जो कार्क थे वो क्या था, बार्क ऑफ ट्री था। रिजेम्बल द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम्ब, यानी मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचना दिखाई दी। और उसके बाद में द यूज ऑफ द वर्ड ए सेल, और उन्होंने सेल वर्ड का जो यूज किया, डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज टिल दिस डे बायोलॉजी में, आज सेल बायोलॉजी के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, उन्होंने जो अपना सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैसा माइक्रोस्कोप, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, यानी जो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो पार्ट्स थे क्या क्या थे, कंसिस्ट ऑफ आई पीस, कंसिस्ट ऑफ आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस,
एंड कंडेंसर। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर, ठीक है। टू ऑब्जर्व ए सेल आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ सैफ्रनिन, जो एक केमिकल्स का यूज किया जाता है, कौन से केमिकल का? सैफ्रनिन। किसके लिए? फॉर प्लांट सेल में यूज किया जाता है इसको। किसमें यूज किया जाता है? फॉर प्लांट सेल, ठीक है। किसमें यूज किया जाता है? फॉर प्लांट सेल। एंड मेथिलीन ब्लू किसमें यूज किया जाता है? फॉर एनिमल सेल, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर टू ऑब्जर्व अ सेल पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ सैफ्रनिन। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंडेंसर लेंस के माध्यम से उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके बाद सेल आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप, ठीक है ना। और सेल में उन्होंने क्या किया कि सैफ्रनिन जो केमिकल्स है उसको एक ड्रॉप उसमें रख लिया, यानी सैफ्रनिन का यूज किसमें किया जा रहा है? प्लांट सेल में, ठीक है। और मेथिलीन ब्लू का किसमें किया जा रहा है? प्लांट मेथिलीन ब्लू किसमें किया जा रहा है? एनिमल सेल्स में, ठीक है। तो आगे देखिए, द साइंटिस्ट द साइंटिस्ट लीवेन हॉक जो साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट? लीवेन हॉक के विषय में, ठीक है। तो साफ्री लिविंग से, ए फ्री लिविंग सेल। तो जो साइंटिस्ट लिविन हॉक थे उन्होंने क्या देखा? साई फ्री लिविंग सेल्स, ठीक है ना। इन द पॉन्ड वाटर, इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो साइंटिस्ट लिविन हॉक थे उन्होंने क्या देखा कि फ्री लिविंग सेल्स उन्होंने कहाँ पे देखा? पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्होंने तालाब के जल में फ्री लिविंग सेल्स को उन्होंने क्या किया? देखा, ठीक है। द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड, अभी यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट ऐसे हैं, द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है।
लाइट है नहीं है, और जहाँ तक भी है थोड़ी सी कोशिश की गई, लेकिन आज आप इसको यहीं तक रखिए, इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी, हमने किस पे डिस्कस किया था, हमने सेल पे डिस्कस किया था कि क्या डिस्कस किया था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, ठीक है ना। और ऑल सेल्स इज द लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम, ठीक है ना। यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं अगर देखा जाए तो कोशिकाएं जो सेल्स है वह लैटिन वर्ड है, और जिसका अर्थ क्या होता है, लिटिल रूम होता है, ठीक है ना, एक छोटा कमरा होता है। और भी हमने क्या पॉइंट डिस्कस किए, द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सा ए लिटिल रूम इन द कार्क, जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे उन्होंने देखा कार्क में छोटे कमरे, और कार क्या था, बार्क ऑफ ट्री यानी पौधे की छाल थी, रिजेम्बल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम्ब, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट यूज टिल दिस डे बायोलॉजी, यानी कि जो सेल वर्ड है उसका बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी के रूप में यूज किया जाता है। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ आई पीस, और इसके साथ जो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें आई पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, कंडेंसर है टू ऑब्जर्व ए सेल आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन, जो सेफ्रेनिन जो केमिकल्स था उसका यूज किस में किया गया था, फॉर ए प्लांट सेल में किया गया था, और जो मेथिलीन ब्लू है उसका किस में यूज किया गया था, फॉर एनिमल सेल्स में किया गया था। द साइंटिस्ट लिविन हॉक्स आर फ्री लिविंग इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो साइंटिस्ट लिविन हॉक थे उन्होंने क्या किया था कि तालाब के जल में पहली बार फ्री लिविंग सेल्स को उन्होंने देखा था। द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, और जो साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने किसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था कोशिका में, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू। आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लाइट चले जाने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आज यहीं तक रखते हैं।